समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की। लखनऊ मेट्रो चली तो और बुलंद हुआ यूपी, मुफ्त एम्बुलेंस को पाकर धन्य हुआ यूपी। डायल 100 से संभल पड़ा अपना यूपी, आए थे अखिलेश तो सच में बदला था यूपी। काम था उसे मिला जो भी बेरोजगार था, पेंशनों से महिला बूढ़ों के भी हरों को प्यार था। अब सुनो जो राजनीति है सपा के बाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद की। पूछता है हाल अब दुखी उदास का, ना जवाब ही रहा किसी की भूख प्यास का। मूल्य जानते नहीं है जो किसी के श्वास का, चाहिए हिसाब उनसे एक एक लाश का। हाँ विकास का वचन तो क्या हुआ विकास का, कौन जिम्मेदार इस प्रदेश के विनाश का। भोग की ना भोग की ना थोथे राष्ट्रवाद की, जय समाजवाद की, जय जय समाजवाद 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 की। हमारी इनकलाबी है, पहचान हमारी क्रांतिकारी है, अमन प्रेम हो भाईचारा ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वतन पे जीवन अर्पण हो ये सौगंध हमारी है, जन जन का जीवन विजयी हो बस ये कसम हमारी है। आदर्श पुराना सोच नई और खून है जवान, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां, समाज की सेवा में निकला समाजवादी कारवां, कारवां ये कारवां समाजवादी कारवां, समाज की सेवा में निकला समाजवादी। चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र के चार स्तंभ को तानाशाही से खतरा है, शोषित पीड़ित वंचित बेरोजगार सड़क पर उतरा है। अल्पसंख्यक मजदूर कृषक निर्धन का दामन उजड़ा है, ऊंच नीच और जाति धर्म में भाईचारा बिगड़ा है। आज मान्य अखिलेश यादव जी भावी मुख्यमंत्री जी हमें संबोधन करने का काम करेंगे, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और तमाम साथियों को कि आज ये सम्मेलन हो रहा है। निश्चित तौर से 2022 में आप यहां से शपथ लेकर के जाएंगे मान्य अखिलेश यादव जी की साइकिल को जिता करके, इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मान्य अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, जय कश्यप समाज, जय कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सामने जो खड़े भाई साहब, हेलो, मेरा इनसे निवेदन है कुर्सियों बैठे जाकर, प्लीज भाई साहब बैरिकेडिंग खाली कर दीजिए, कुर्सियों बैठिए। माननीय मंत्री शंकरलाल मांझी जी गेट पे खड़े हैं,
हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी को आने दें, माननीय शंखलाल मांझी जी को, और इधर माननीय शंखलाल मांझी जी सेकंड मंच तरफ से आ जाएं, माननीय मंत्री जी सेकंड मंच की तरफ से आ जाएं, और ये हमारे पंजाब से लोग आए हैं और हरियाणा से आए हैं, कच्छप समाज के लोग उत्तराखंड के, इन लोगों को से अनुरोध है कि वो सेकंड मंच की तरफ आ जाएं, सेकंड मंच की तरफ। अब मैं आमंत्रित करता हूं सत्यवीर प्रजापति जी आए और अपनी बात रखने का कष्ट। आदरणीय आज के कच्छप महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर आसीन इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल समिति के सदस्य और हमारे सबके नेता माननीय भैया, ये टेंट वाला कहाँ है? साजिश टेंट वाला जहाँ कहीं भी हो जरा मैन मंच पे को आ जाए। साजिश टेंट वाला जहाँ कहीं भी हो जरा मैन मंच पे को आ जाओ। माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी सांसद राज्यसभा, माननीय राज्यपाल कश्यप जी, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सुधाकर कश्यप जी और मंच पर आसीन समाजवादी पार्टी के विधायक कन और विधायक सांसद पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेतागण, समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, ये समाजवादी झंडा इतिहास लिए बलिदानों का, इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बांटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथी सब धर्मों वर्गों समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी संग नई फसल की हरियाली, मिली जुली तहजीब हमारी विश्व शांति रखने वाली, एक हाथ में ईद मिलन तो एक हाथ में दिवाली। ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, ये समाजवादी झंडा, स्वाभिमान आजादी है, छे तो ये विदेश की पूंजी भारत की बर्बादी है।
इतिहास लिए बलिदानों का ये समाजवादी झंडा, इतिहास लिए बलिदानों का इसमें दिखता अक्स लोहिया गांधी के अरमानों का। हो बाटे दर्द गरीबों मेहनत कश मजदूर किसानों का, साथी सब धर्मों समाजवादी झंडा, ये 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 समाजवादी झंडा। सबका सम्मान बढ़ाने को, यूपी का मान बढ़ाने को, हर मुश्किल से टकराने को, हर एक को गले लगाने को, मिलजुल कर कदम बढ़ाने को, फिर से परिवर्तन लाने को, उन्नति का दीप का सरमाया हूँ मैं, नेताजी का साया हूँ, जन्मा हूँ मैं इस माटी में, अपना हूँ कहाँ पराया हूँ, जो भी सच है वो कहता हूँ, चट्टान के जैसा रहता हूँ, हर संकट में हर मुश्किल में मुस्कान सजाए रहता हूँ, सर पर है हाथ बुजुर्गों का, हर दम है साथ बुजुर्गों का, सब युवा हमारे साथी हैं, परिवर्तन का संदेश हूँ मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। गर्दन भी अगर कलम होगी, साइकिल की चाल न कम होगी, चाहे जितने तूफान आए इसकी रफ्तार न कम होगी, इसकी मैं शान बढ़ाऊंगा, इसका सम्मान बचाऊंगा, पगडंडी से एक्सप्रेसवे तक प्रगति की गति बढ़ाऊंगा, तुम साथ मेरा देना लोगों, खुशियां घर घर पहुंचाऊंगा, मुझको देखो भालो पढ़ लो, सूबे का अध्यादेश हूँ मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं। काम सफल था यूपी में, कन्या विद्या धन यूपी में, हर दीन दुखी ने थामा था खुशियों का दामन यूपी में, मेहनत को राहत भी दी थी, हमने की रिक्शे बांटे थे, बुनकर की बिजली माफ करी, अनुदान दिया था किसानों को, ओला पीड़ित की मदद हुई, खेती का कर्जा माफ किया था, सपा की जब सरकार थी तब अवरोध घटे अपराध घटे, मध्यम हूँ पर आवेश मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं।
पुलिस तबाह पाते थे मदद, कन्या विवाह को मिलती थी मदद, बांटे थे लैपटॉप छात्रों को, उपहार मिलते महिलाओं को, हर बेगुनाह पाता था न्याय, पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, सबकी सुनवाई होती थी और मुफ्त दवाई होती थी, आ दिया किसानों को बाजार, दुर्घटना बीमा बटते थे, उद्योग लाए दिए रोजगार, जो कहते थे वो करते थे, यूपी वालों की आंखों में अब अश्क नहीं खुशियां होंगी, बदला बदला परिवेश मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं, सड़क पर हीरो था, 1090 था, अपराध नियंत्रण की खातिर डायल 100 था, दरकार अगर थी एम्बुलेंस 108102, बेघर की खातिर बनवाए थे लाखों लाख सस्ते मकान, बनवाए थे रिवर फ्रंट और पार, चलवाई लखनऊ में मेट्रो, आओ सब मेरे साथ चलो, सूबे की शान बढ़ानी है, जनता दे दो आदेश हूँ मैं, एक बार मुझे फिर दिल दे दो, सबका प्यारा अखिलेश हूँ मैं,
थमाया तुम्ही ने था सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए सम्मान बेटियों को अब वापस दिलाइए फिर से समाजवादी की सरकार लाइए फिर से की ना द्वेष की ना जाति की ना पाति की राजनीति की सदैव राज्य के विकास की जुल्म का मिटे अंधेरा ज्योति हो प्रकाश की जीत सबकी हो किसी भी आम की ना खास की जनता चाहती है बागडोर दे प्रदेश की राह तक रही है बहुत देर से अखिलेश की विकास की ना हो किसी विवाद की जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की लखनऊ से दिल्ली जोड़ती सड़क जिन्होंने दी इस प्रदेश को नई तड़क भड़क जिन्होंने दी लैपटॉप दे पढ़ाई की खड़क जिन्होंने दी गांधी जी की खादी को नई कड़क जिन्होंने दी फिर उन्हीं की ओर देखता प्रदेश है खड़ा फिर उभरना चाहता है घर तुम्हें जो है बड़ा सबो तो फिर से झोली भर दो आशीर्वाद की जय समाजवाद की जय जय समाजवाद की जय समाजवाद की जय जय समाजवाद लखनऊ मेट्रो चली तो और बुलंद हुआ यूपी मुफ्त एम्बुलेंस को पाकर धन्य हुआ यूपी डायल 100 से संभल पड़ा अपना यूपी आए थे अखिलेश तो सच में बदला था यूपी काम था उसे मिला जो भी बेरोजगार था पेंशनों से महिला बूढ़ों के भी हरों को प्यार था अब सुनो जो इस देश की सारी संपत्तियां आपके श्रम से आपके परिश्रम से बनाई गई संपत्तियां हैं लेकिन साथियों वो पूत सपूत कहलाता है जो संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है और वो पूत कपूत कहलाता है जो संपत्ति को बेचने का काम करता है साथियों आज इस देश में कपूत सरकार चल रही है जिन्होंने हिंदुस्तान को बेचने का काम साथियों कर दिया इसलिए नौजवान साथियों बुजुर्गों दोस्तों माताओं बहनों पत्रकार बंधुओं आपसे अपील करना चाहते हैं यही पार्टी है समाजवादी पार्टी जिन्होंने आपके तमाम सम्मानित नेताओं को आदरणीय शंखलाल मांझी को कैबिनेट में स्थान देने का काम किया आपकी सदन में लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय बिशंबर प्रसाद निषाद जी को राज्यसभा बनाने का काम किया आपके शानदार नेता डॉक्टर राजपाल कश्यप जी को MLC बनाने का काम किया पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया ये साथियों चौधरी ललिता प्रसाद निषाद जी बैठे हैं इनको भी माननीय विधायक बनाने का काम किया आदरणीय किरणपाल कश्यप जी बैठे हैं इनको भी विधायक बनाने का काम किया इसलिए मेरे भाइयों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आप देख लो एक भी कश्यप को साथियों मंत्री बनाने का काम नहीं किया लेकिन आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते थे आपसे निवेदन करना चाहते हैं साथियों इस क्रांतिकारी मुरैना की धरती से एक कश्यप समाज के भाइयों आने वाले समय में
2022 में जब चुनाव हो साइकिल के चिन्ह पर इतना बटन दबा देना कि माननीय योगी जी की और आदरणीय मोदी जी की जमानत जब्त होने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कश्यप, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राज्यपाल कश्यप जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद शहर विधायक रफीक अंसारी यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी जी क्या हो गया, वो आ जाए अंदर। प्रशासन से अनुरोध है कि उनको अंदर ले लें। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ पूर्व मंत्री श्री उमा किरण जी को। श्रीमती उमा किरण जी आए अपनी बात रखें। आदरणीय जनपद मुजफ्फरनगर की इस पावन धरती बुढ़ाना में कश्यप समाज का महासम्मेलन हो रहा है। सभी को पता हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए अभी आने वाले हैं। मैं सम्मान करते हुए यहाँ पर हमारे बीच में जो सुधाकर कश्यप जी ने प्रोग्राम लिया, ये बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और जो जिन्होंने जिम्मेदारी ली डॉक्टर राजपाल कश्यप जी और विशंबर प्रसाद निषाद जी और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के बहुत ही प्रिय और बहुत ही जुझारू हमारे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रमोद त्यागी जी और किरण पाल कश्यप जी, मंच पर आसीन दूर दराज से आए हुए सभी विधायक पूर्व मंत्री सभी सम्मानित और जनपद मुजफ्फरनगर से दूर दराज से आए हुए अन्य जिलों से भी सभी का सम्मान करते हुए मैं यहाँ पर ज्यादा न कहकर ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा कश्यप समाज है वो अति पिछड़ा और यहाँ पर हमारे राजपाल सैनी जी भी हैं सैनी समाज से, सभी समाज का मैं सम्मान करते हुए कहना चाहती हूँ कि मैं दलित समाज से हूँ। मेरा भी सरकार में एक छोटा सा रोल रहा, सभी को पता है। मैं ये चाहती हूँ समाजवादी पार्टी तभी मजबूत होगी जब हम अति पिछड़े पिछड़ों को और दलितों को लेकर चलेंगे। यहाँ पर सभी को बताना चाहती हूँ कि सबको प्यार से गले लगाओ, क्योंकि सम्मान बहुत बड़ी चीज है। जितने भी छोटे तबके के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग सम्मानित लोग बैठे हैं मंच पर, मैं कहना चाहती हूँ जितने भी छोटे तबके के लोग हैं सबको प्यार से गले लगाओ। हमारी समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रहेगी और आगे भी मजबूत रहेगी। यहाँ पर सभी को पता है 2022 में चुनाव आने वाला है। अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को हम लोगों को मजबूत करने का काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग छोटी छोटी बिरादरी को लेकर चलेंगे तभी हम लोग मजबूत होंगे। सभी को पता है कि दलित और पिछड़ों में, अति पिछड़ों में ही सबसे ज्यादा वोट होती है, सभी को पता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि मैं दलित समाज से हूँ। मैं 2022 में जितनी भी हमारी 6 की 6 सीटें हैं मुजफ्फरनगर जनपद में, मैं चाहूंगी कि हमारा दलित समाज समाजवादी पार्टी को वोट करे। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं 19 साल से समाजवादी पार्टी में हूँ। मैं ये चाहती हूँ जो कश्यप समाज का यहाँ प्रोग्राम है ये बहुत ही सम्मानित प्रोग्राम है। और मंच पर जितने भी बैठे हैं मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ कि 2022 में सबको समाजवादी पार्टी की सरकार लानी होगी। चाहे वो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे इस समय चल रही है, सबका मालूम है हम लोग कितने परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी को अगर दफन करना है तो आप लोगों को समाजवादी पार्टी का साथ देना होगा। माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना होगा। और सभी कश्यप समाज का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। जो प्रभारी बन के आए हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। ये प्रोग्राम बहुत ही सफल रहेगा और 2022 में हमारी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक मिथिलेश पाल। मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व विधायक आदरणीय अनिल सिंह जी को, वो आए अपनी बात रखने का कष्ट। अरे भाई सामने जाओ ना, आप वहाँ चलो उधर सामने, ये डी खाली करो इधर से। जय भाई साहब, यहाँ तो नेतागण खड़े हुएंगे। भैया तख्ती लेकर उधर सामने जाओ आप। चलिए
राजकुमार कश्यप ध्वज छोटे मंच से पहले अपने महापुरुषों को आदर सम्मान देते हुए आज बुढ़ाना की इस पावन धरती पर हो रहे कश्यप महासम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे बीच में अभी पहुंचने वाले हैं हमारे रहबर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, मंच पर आसीन तमाम पार्टी के जिम्मेदार लोग, हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक पार्टी संगठन के तमाम जिम्मेदार लोग सभी का अभिवादन करते हुए, साथियों अभी पूर्व में मुझसे पहले भी कई लोगों ने अपनी बात रखने का काम किया और साथियों मैं कहना चाहता हूं कि अभी दो महीने के बाद में विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है। आज इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है, विशेषकर हमारे तमाम पिछड़ी समाज के जातियों पिछड़े समाज के लोगों को दलितों को जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें इस बात का विश्लेषण और इस बात का आकलन करने की जरूरत है कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर, उन 5 साल के अंदर हमारे समाज के लोगों को गरीब समाज के लोगों को जिनको सरकार की आवश्यकता होती है उन लोगों को क्या मिलने का काम हुआ, इस बात का भी आकलन करने की जरूरत है। साथियों इस बात का भी आकलन करने की जरूरत है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2012 से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री रहने का काम किया था उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में तमाम वर्गों को तमाम सभी समाज के लोगों को सम्मान मिलने का काम हुआ, कितने विकास कार्य उत्तर प्रदेश में हुए ये भी आपके सामने है और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 5 साल होने को है इन्होंने आपके बीच में कितने विकास कार्य करने का काम किया है और कितने लोगों का सम्मान करने का काम किया है, किस किस समाज के लोगों का सम्मान करने का काम किया है। इन्होंने मात्र एक काम तो जरूर किया है कि आज हमारे बीच में जो हिंदू मुस्लिम और हमारे बीच में जो भाईचारा था उसको खत्म करने का काम जरूर किया है। साथियों आज हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये वोट लेने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के उन्माद में हम लोगों को वोट नहीं देना, इनसे हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें भाईचारा के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करना है। साथियों अगर आप चाहते हो आपके नेता 2022 में मुख्यमंत्री बनने का काम करे तो आप सभी लोग विशेषकर हमारे तमाम समाज पिछड़ी जाति के लोग इस बार जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करे, यहीं पर हमारा सम्मान है, यही पिछड़ों का सम्मान है, यही दलितों का सम्मान है, यही मुसलमान का सम्मान है, यही सर्व समाज के लोगों का सम्मान है। साथियों गुमराह होकर वोट देने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से अपने विवेक से अपने हित में अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने का काम करने का काम करें। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज देख लीजिए आप क्या हाल हो रहा है, आज दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आज तमाम सारी संस्थाओं को सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम हो रहा है, ये सब बातें देखनी पड़ेगी आज हमें। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि बहुत वक्ता बहुत है, मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 22 के चुनाव में तमाम सभी वर्ग जो है आप अपने विधानसभा के प्रत्याशियों को जिताकर इस जनपद की 6 सीटों को अखिलेश जी यादव जी की झोली में डालने का आप लोग काम करेंगे, इसी बात के लिए साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। एक जोरदार नारा लगाइए, कश्यप समाज, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव। आमंत्रित करता हूं सुधाकर कश्यप, आए अपनी बात रखें। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं, लोहिया जी के चरणों में नमन करता हूं, तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। साथियों आज बुढ़ाना की इस पावन धरती पर करोड़ों करोड़ों के मसीहा माननीय श्री अखिलेश यादव जी यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाले हैं। साथियों मंच पर बैठे अध्यक्ष जी और श्री विशंबर प्रसाद जी, निषाद जी, पूर्व मंत्री,
श्री किरणपाल कश्यप जी, श्री राजपाल सैनी जी पूर्व एमपी, श्री स्वामी ओमवेश जी पूर्व मंत्री, श्री बच्ची सैनी जी, श्री राजपाल कश्यप जी पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष, श्री रफीक अंसारी जी विधायक जी और यहाँ के जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी, पूर्व विधायक श्री गुलाम मोहम्मद जी, श्री राजपाल चौधरी मेरठ जिलाध्यक्ष, श्री सुधाकर कश्यप जी पूर्व मंत्री और हमारी हस्तनापुर विधानसभा सीट के बराबर वाली सीट के हमारे भाई मजबूत नेता श्री अतुल प्रधान जी यहाँ भी बीच बैठे हैं, श्री संजय गर्ग जी विधायक और पूर्व मंत्री जी, श्री गौरव स्वरूप जी बोर प्रत्याशी। साथियों समय कम है, बहुत सारे लोगों को नाम मैं और बोलना चाहता था। यहाँ मंच पर बैठे सभी नेतागण, पूर्व विधायक, पूर्व सभी हमारे नेता, साथियों बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और इस ऐतिहासिक सम्मेलन में माननीय मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं और समय अब परिवर्तन पे जा रहा है। दोस्तों अब जो सरकार बनने जा रही है माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, आपकी, गरीबों की, तमाम लोगों की सरकार बनने जा रही है। बहुत लोगों ने बहुत तरीके से इस भाजपा की सरकार ने बहुत उत्पीड़न किया है, बहुत सताया है और अब जिन लोगों ने सताया है उनको यहाँ से प्लान का नंबर आने वाला है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हजारों बार हम जालिम के सहके मुस्कुराते हैं, हमारे हौसले तूफान की हस्ती मिटाते हैं। यकीन ना हो देख लो पढ़ लो, ये तारीख बोलेगी, हमारे जिस्म से टकराकर खुंजा टूट जाते हैं। अरे सामने मेरे दोस्तों, यहाँ तमाम युवा साथी हैं, सब लोगों को पूरी ताकत दिखानी होगी और सरकार बनानी होगी। हम सब लोगों को, गरीब लोगों को, तमाम लोगों को एक होना पड़ेगा। बहुत तरीके से सताया है इस भाजपा के लोगों ने, आपकी वोट का प्रयोग किया है लेकिन अब आपको प्रयोग में नहीं आना है, आपको समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों कभी हवाओं के रथ पे दिखाई देता है, कभी हवाओं के रथ पे दिखाई देता है, कभी खुद अपने आप में दिखाई देता है और चुना गया था वतन के लिए वो हमेशा दूसरे मुल्कों में दिखाई देता है। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा, ऐसे योगी पोगी का क्या फायदा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमें पूरी जान लगानी होगी, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा और भूलना नहीं होगा ना नोटबंदी को और ना जो एक एक सांस के लिए तरसे हैं हमारे लोग, हमारे साथी एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए तरसे हैं। लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिले, इसलिए आप लोगों को पूरी तरीके से अपनी सरकार बनानी है। समय कम है, बहुत सारी बात मुझे करनी चाहता था लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो, वक्त बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो और कुछ को हम जगा दे, कुछ को आप जगा दो। इरादे हमारे क्या हैं योगी और मोदी को बता दो और आने वाली 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दो। दोस्तों समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं। तो मेरे दोस्तों मैं हस्तनापुर विधानसभा क्षेत्र से आया था, तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, एक बार हाथ उठा के बता दो कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओगे या नहीं बनाओगे। बनाओगे सभी तो ना, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ। अखिलेश यादव, खुदा हाफिज। अखिलेश यादव भैया सामने जो तख्ती ले रहे हैं ना, पीछे हो जाओ, ये पीछे तख्ती वाले दयाल वाल्मीकि जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आए, अपनी संक्षिप्त बात रखे। और साथियों कुछ ही क्षणों में माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में आने जा रहे हैं, आप लोग कृपया करके कुर्सियों पे बैठ जाइए। आगे जो लोग खड़े हैं पत्रकार साथी पीछे हैं, पत्रकार साथियों के आगे मत खड़े हो। सम्मानित, आज किस बुढ़ाना की पावन धरती पर अपने महबूब लीडर समाजवादी पार्टी के रहनुमा माननीय अखिलेश यादव जी का जोरदार स्वागत है। साथ ही इस मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानित
बड़े भाई भाई विशंबर प्रसाद निषाद जी, भाई डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, भाई किरण पाल कश्यप जी, भाई सुधाकर जी, भाई हमारे राजपाल सैनी जी पूर्व सांसद, हमारे राजपाल सिंह जी, भाई अतुल प्रधान जी, भाई योगेश जी, भाई फारूक हसन साहब, भाई हमारे गुलाम मोहम्मद साहब पूर्व विधायक सिवाल खास, हमारे सम्मानित आदरणीय स्वामी ओमेश जी, साथ ही इस जिले के अध्यक्ष भाई प्रमोद त्यागी जी और मंच पर आसीन सभी सम्मानित साथियों, आज आपने जो बुढ़ाना के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी का जोरदार स्वागत करने का ये मंच लगाया है, मैं आप सबको बधाई देता हूँ। हस्तनापुर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से बधाई देता हूँ कि आपने आज एक ये शानदार काम किया है। सम्मानित साथियों, इस 5 साल की भाजपा की सरकार में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन ये सरकार एक गुंडागर्दी की सरकार है, हर धर्म की सरकार है। ना इन्हें महंगाई का पता, ना डीजल के दाम का पता, डीजल पे आए दिन रेट पर रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल पर रेट बढ़ा रहे हैं, यूरिया पर रेट बढ़ा रहे हैं, खाद पर महंगाई कर रखी है। इन लोगों को ये नहीं पता जो किसान अन्न उगाता है, जो किसान आपको 2 वक्त की रोटी देता है, आज उसी किसान को उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बर्बाद करने का काम आज इस मोदी और योगी की सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए सम्मानित साथियों, समय का अभाव होने के कारण मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 के चुनाव में एक एक वोट समाजवादी पार्टी का साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने करेंगे, अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, तभी आपको इस पार्टी से, इस भारतीय जनता पार्टी से निजात मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका तहे दिल के साथ और सम्मानित मंच का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर प्लीज छोटे मंच की तरफ भी घुमा दिए कैमरा थोड़ा सा। यहाँ पे हरिद्वार से भाई बुद्ध सिंह कश्यप जी आए हैं, अध्यक्ष हैं जय भगवान कश्यप जी लंबरदार हरियाणा से आए हैं, निर्मल कश्यप जी फतेहगढ़ से आए हैं, सुरेंद्र कश्यप जी, भारत कश्यप जी, राहुल कश्यप जी, गौरव कश्यप जी, शेर सिंह कश्यप जी, वीर सिंह जी और विजय कश्यप जी। आप लोगों से और मैं आमंत्रित करता हूं श्री बच्चीलाल सैनी जी आए और अपनी बात कहें संक्षिप्त में। मंच पर सम्मानित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, समय के अभाव को देखते हुए कश्यप महासम्मेलन के आयोजक संयोजक और मंच पर आसीन बैठे हुए आदरणीय समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, अतुल प्रधान जी, विशंबर प्रसाद निषाद, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महासचिव सुधाकर कश्यप जी और राज्यपाल कश्यप जी और मंच पर सम्मानित और दूर दराज से आए हुए सभी कश्यप सम्मेलन में सभी को नमन करते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं बुढ़ाना की। राम कुमार कश्यप सूप वाले जो है छोटे मंच की तरफ को आ जाए और जितने ये समस्त बागपत जनपद के जो कश्यप समाज के लोग आ रहे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। राम कुमार कश्यप जी, मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि जो बुढ़ाना की पावन धरती पर पिछड़े समाज के लोग और कश्यप समाज के लोग जो यहां पर उपस्थित हैं, वास्तविकता ही ये विपक्ष पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की सोच विचारधारा से जुड़ने के लिए कश्यप महासम्मेलन में उपस्थित और कश्यप समाज के जो विशंबर प्रसाद और राजपाल कश्यप जी और सुधाकर कश्यप जी की मेहनत से जो यहाँ पर लोग उपस्थित हुए, आप सब बधाई के पात्र हैं। वर्तमान की विपक्ष की सरकार आजकल आपके बीच में जाने के योग्य नहीं है,
उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो आप लोगों को प्रभावित कर सके और आपसे वोट मांग सके। आप लोगों को झूठे सच्चे वादे कर जो वो सत्ता में हासिल की थी, आज उसका बदला लेने के लिए वोट के बदले चोट करने का दिन आ गया है। आने वाली 2022 फरवरी में आप लोगों को ये एहसास कराना है जिस पिछड़े के बल पर भारतीय झगड़ा पार्टी और शासन प्रशासन और देश पर राज किया, हम उसका बदला लेने के लिए आज चोट से वोट से चोट करेंगे और आने वाली समाजवादी पार्टी को हम सत्ता में लाने का काम करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि महंगाई चरम सीमा पर है। आप लोगों ने महसूस किया होगा अब से पूर्व सीमेंट का कट्टा 195 रुपए का था जो आज 410 रुपए का है। कभी स्टील का रेट 3600 रुपए था, आज 6500 रुपए का रेट है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कभी चलान 100 रुपए का होता था, आज 1000 रुपए का चलान होता है। डीजल पेट्रोल कहां पर चला गया, गैस सिलेंडर कहां पर चले गए। आप लोगों ने महसूस किया होगा बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से जो हिंदुस्तान के अंदर लाखों करोड़ों लोग कोरोना की चपेट से मरे हैं, वर्तमान की सरकार की देन की वजह से आप लोगों को उनका बदला लेना है। आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हजारों सैकड़ों साल पहले यदि हुकूमत मिलती थी वो तीर और तलवारों के बल पर मिलती थी। अगर हजारों सैकड़ों साल पहले कोई राजा पैदा होता था तो वो रानी के पेट से पैदा होता था। अगर आज कोई राजा पैदा होता है तो आपकी वोट से पैदा होता है। इसलिए 2022 में आपको अपना राजा पैदा करने के लिए वोट से बदलाव करना होगा और समाजवादी पार्टी को लाना होगा। जय हिंद, जय समाजवाद। समय के अभाव को देखते हुए धन्यवाद भाई। ये सामने जो है खड़े हैं, ये मीडिया के लिए जगह है, पत्रकार बंद हो के लिए जगह खाली भाई कर दो। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इधर बहुत जगह है और भी जगह है जो खड़े हैं, कम से कम मीडिया की जगह छोड़ दीजिए। मीडिया की जगह छोड़िए भाई साहब। और मैं यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ भाई आदरणीय मनोज चौधरी जी जिलाध्यक्ष बागपत, स्वागत करता हूँ आदरणीय रुद्रसेन जिलाध्यक्ष सहारनपुर, आदरणीय राजपाल चौधरी जिलाध्यक्ष मेरठ, आदरणीय अशोक चौधरी जिलाध्यक्ष शामली, जयवीर सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष मेरठ, रमेश प्रजापति जी। और मैं आमंत्रित करता हूँ भाई संजीव कश्यप जी आए संक्षिप्त में अपनी बात रखे। संजीव कश्यप जी और उसके बाद धनवीर कश्यप जी तैयार रहो एक मिनट में। पवन कश्यप जी मेरठ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र कश्यप मेरठ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कश्यप महासम्मेलन में हमारे अध्यक्षता कर रहे हमारे समाज के सबसे प्रथम विधायक और समाज के प्रेरणा स्रोत, समाज के सबसे बड़े बुजुर्ग चौधरी ललिता प्रसाद निषाद जी को मैं नमन करते हुए आज की सभा में आए समस्त अध्यक्षों को, सभी को, पार्टी के समस्त नेताओं को मैं नमन करते हुए सिर्फ आधे मिनट में यही बताना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर संजीव सिंह कश्यप पूर्ण शिक्षित होने के साथ साथ समाज का वो युवा, वो आवाज बनना चाहता हूं कि जो समाजवादी के झंडे में मेरे पिता पूर्वज चौधरी रामचरण सिंह कश्यप जी ने पूरा जीवन समाजवाद को समर्पित किया था। और मैं इस भरी मंच में, अपनी भरी सभा में, अपने भाइयों के बीच में, अपने कश्यप राजपूतों के बीच में ये घोषणा करता हूं कि मैं जब तक रहूंगा, जब तक सांस रहेगी, समाजवादी रहूंगा, सच्चा समाजवादी बन के जीऊंगा। इसीलिए मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि हे मेरे कश्यप राजपूतों, किसी के बहकावे में ना आकर के समाजवादी की सरकार बनाइए जिससे हमारे सभी बुजुर्ग लोगों की सारी तपस्या पूर्ण हो सकती है, उसी से हमें अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आज आप लोग 25 बसें भर कर लाए और 50 ट्रैक्टर ट्रॉली। चरथावल विधानसभा के लोगों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, समस्त समाजवादियों का अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कश्यप, जय समाजवाद। डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप और ओमपाल कश्यप पूछना चाहिए, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही। अब मैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वामी ओमवेश जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें। स्वामी ओमवेश जी, हेलो। ब्रह्मचंद कश्यप जी दो बस लेकर आए हैं बड़ावल से, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलसाद जी बदरखा से आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
खतौली चेयरमैन काजी नबील अहमद जी, वो सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाजी की धरती पर कश्यप समाज के इस विशालतम सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे, कश्यप समाज के शीर्ष नेता, आदर और सम्मान के योग्य माननीय ललित निषाद जी, समाजवादी पार्टी के जिला मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष, आदर और सम्मान के योग्य प्रमोद त्यागी जी, सभा का बहुत शानदार तरीके से संचालन कर रहे, आदर और सम्मान के योग्य कश्यप समाज के प्रदेश सचिव आदरणीय भाई राजपाल कश्यप जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और मेरे सामने खड़े हुए बैठे हुए समाजवादी पार्टी के नेतागण, कर्मठ सिपाहियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो भी विचार यहां पर व्यक्त किए हैं, जो भी अल्फाज यहां पर बोले हैं, मैं उन सभी से अपने को संबंध करता हूं, उन विचारों का अनुमोदन करता हूं, उनका समर्थन करता हूं। आदर और सम्मान के योग अलग अलग स्थानों से, जिलों से आए हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, आज आप लोग बहुत ही उत्साह के साथ आए हो, बहुत ही उमंग के साथ आए हो, ढोल बजाते हुए, नारे लगाते हुए, नाचते कूदते हुए अपने महबूब नेता के विचार सुनने के लिए आए हो, उस नेता के विचार सुनने के लिए आए हो जो आगे आने वाले चुनाव में 2022 में प्रदेश की बागडोर संभालेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे, ऐसे नेता के आप विचार सुनने के लिए आए हो। और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो माननीय अखिलेश यादव को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने से रोक दे। और ये भीड़ इसका जो है द्योतक है, इसका प्रमाण है ये हजारों हजारों की संख्या में जो भीड़ आ रही है, और अभी तो कुछ भी नहीं आई है, अभी तो कुछ भी नहीं आई है, इतनी भीड़ आने वाली है कि आप जो है देखोगे कितनी भीड़ है। मैं कहना चाहता हूं ये किसके आने से धरती थर्राई है, अरे ये किसके आने से धरती थर्राई है, इबारत जुल्म अत्याचारों से भरमाई है, हुआ है शौर आलम में ये किसके आने से, अरे हुआ है शौर आलम में ये किसके आने से। ए पत्रकार बंधुओं, ये अखिलेश यादव की फौज आई है, ये अखिलेश यादव की फौज आई है। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी की पार्टी को सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिला हरिद्वार, नरेंद्र गुर्जर जी अपने साथियों के साथ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राम बोल प्रधान धर्मेंद्र कश्यप जी बगरा से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूं आदरणीय विधायक रफीक अंसारी साहब का, विधायक आदरणीय नईमुल हसन जी का, आदरणीय संजय गर्ग जी का, आदरणीय मुकेश चौधरी जी पूर्व राज्य मंत्री, आदरणीय गुलाम मोहम्मद जी का और मोहम्मद रवाजी, और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय संजय गर्ग जी को कि वो आए और अपनी अपील करने का कष्ट। मोहम्मद नवाजी जिला पंचायत सदस्य खास से भी आए, व्यापार सभा के विधायक भी है, चारनपुर से, हापुड़ से दो बस लेकर आए हैं बुद्ध प्रकाश। धन्यवाद राज्यपाल कश्यप जी, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य के रूप में पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले हमारे
आज के इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, आदरणीय ललिता प्रसाद जी, पूर्व सांसद हमारे पूर्व मंत्री साथी आदरणीय किरण पाल कश्यप जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व सांसद राजपाल सैनी जी, राजपाल सिंह जी जिलाध्यक्ष मेरठ, शामली के हमारे जिलाध्यक्ष हमारे आदरणीय अतुल अंजान जी, उदयवीर कश्यप जी पूर्व मंत्री, मांगेराम कश्यप जी, इस रैली के संयोजक आदरणीय सुधाकर कश्यप जी, हमारे साथी विधायक नईमुल हसन साहब, साथी विधायक भाई रफीक अंसारी साहब, यहाँ मंच पर मौजूद मेरे सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में यहाँ इस रैली स्थल पर मौजूद मेरे सभी समाजवादी सैनिकों, साथियों थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप सब उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनने के लिए जो आततायी सरकार ने 2017 से आकर अब प्रदेश में लगभग पौने पांच साल और इससे पहले 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सरकार में रहते हुए दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, गरीबों और मजलूमों के साथ जो अत्याचार किए हैं, उनकी अगर कोई एक आस बची है और जिस तरफ वो आशा की किरण बनाकर देख रहे हैं, वो आशा की किरण के रूप में हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देखते हुए ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया सूर्य उगेगा और उसके बाद वो आशा की किरण जगेगी और उसके आधार पर हम आप सब लोगों को न्याय मिलने का काम होगा। आज जिस तरह छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, व्यापारी और महिलाएं तमाम उत्पीड़ित होकर आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान में अगर कहीं मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में मिल रही है, उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पर बेरोजगार घूमने के लिए मजबूर है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की अस्मिता के साथ रोज खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का किसान तरस रहा है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, परंतु लखीमपुर में केंद्र की सत्ता में बैठा हुआ गृह मंत्री और उसके बेटे साजिश कर उन्हें रौंदने का काम कर रहे हैं और उनकी जान लेने के लिए मजबूर हैं। यहाँ किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कश्यप समाज को, जो पर्यावरण का मित्र है, जो नदियों के आधार पर हम आपको सबको स्वच्छ जल देने के साथ साथ धरती, जन, अगली, वायु और आकाश के उन पंच तत्वों को बनाकर हमारे सामने इंसानियत को जिंदा रखने का काम कर रहा है, उन तमाम तर लोगों को उनके पुराने हकूक देने का काम किया था, चाहे तालाब के पट्टे हों, रेत के पट्टे हों, उनमें उन तमाम लोगों की हिस्सेदारी दी थी और उन्हीं के साथ बहन फूलन देवी से लेकर राजनीति में उन्हें मजबूत हिस्सेदारी देने का काम अगर किसी ने किया तो उसका नाम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव था। और समाजवादी पार्टी ने ऐसे उस इतिहास से आज तक दलितों के सम्मान में अपने महर्षि, इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान महर्षि के चरणों में शत शत नमन करते हुए उन तमाम तर लोगों को सम्मान देने के लिए अपने आप को प्रतिबद्धता जाहिर करने का काम किया था। और आज ऐसे में जब संपूर्ण उत्तर प्रदेश जल रहा हो, तमाम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो और आतताई हम किसी भी रूप में उन तमाम तर लोगों पर नजरें गाड़े बैठे हो, जब से सरकार आई मुझे वो तमाम तर घटनाएं याद हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो 2022 के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं माननीय अखिलेश यादव जी, कितनी संवेदनशीलता के साथ हर घटना पर अपनी नजर रखते हैं। 2019 में कुमारी पूनम कश्यप, जो सिसौली मुजफ्फरनगर के दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर दी गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जांच दल भेजकर उस बात के लिए आततैया को चुनौती देने का काम किया था। इसी तरह कुमारी सोनी कश्यप, वीरसेन कश्यप जी की पुत्री, जो श्यामगढ़ी के थाना कांदला की घटना घटित हुई, उसमें भी जांच दल बनाकर जब हम लोग गए और उसके बाद उन तमाम तर लोगों को गिरफ्तार करने की बात हुई, और केवल गिरफ्तारी देने की बात नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद भी उन लोगों को पहुंचाने का काम किया गया। बुढ़ाना के नगला अटारी में एक कश्यप समाज के नौजवान की हत्या कर दी गई, नथमलपुर में सहारनपुर के नीतू कश्यप की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, देवमंथारे में रसूलपुर के
टांक रसूलपुर टांक में कश्यपों पर हमला किया गया और मुजफ्फरनगर के थाना तितावी के ग्राम पीपलशाह में इसी तरह फिर दोबारा कश्यप समाज के लोगों को कमजोर समझकर शिकार बनाया गया। अभी हाल ही में 15 जुलाई को मेरठ के सिवाई गांव में थाना सरूरपुर में घुरचड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे, आजादी के 70 साल बाद अगर कोई गरीब अपनी शादी में अपनी बारात में अगर घोड़ी पर चढ़कर जाने की उत्कंठा रखेगा इच्छा रखेगा तो उसे चुनौती देने का काम होगा, उसे किसी भी रूप में इस बात के लिए बर्दाश्त करने का काम नहीं किया जाएगा और वहां के दबंग गोली मारकर उसकी हत्या कर देंगे। तमाम तरीके के साथ कोई गरीब खुशी भी मनाने का काम न कर सके, यह है योगी सरकार का हाल। और हम इन तमाम चीजों के लिए एक संवेदनशील मन अपने मन में रखते हुए एक जुझारू नेतृत्व हम सबको देने वाला, हम सबको राजसत्ता में हिस्सेदारी देने वाला, इंसानियत का पुजारी, मानवता के साथ सभी के हकों की लड़ाई को लड़ने वाला और सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके दुखों को साझा करने वाला ऐसा वो नौजवान अखिलेश यादव जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आगे आने वाले दिनों में बनकर निश्चित रूप से पिछड़ों और दलितों की आवाज बनने का काम करेगा। उन तमाम समाजों को साथ लेकर चलने वाले ऐसे उस होनहार युवक हमारे राष्ट्रीय नेता की हम आप सब लोग न केवल इंतजार कर रहे हैं बल्कि आने वाले समय में 2022 में इस महाकश्यप रैली के माध्यम से ये चेतावनी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे देना चाहते हैं कि वो जो ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरह से वो लोगों की सियासत को बांटने की साजिश करते हुए लोगों को बहकाकर किसी एक विशेष धर्म जाति के नाम पर वोट लेने की साजिश करना चाहते हैं, ये साजिश और धोखा अब आगे चलने वाला नहीं है। ये समाज इस बात को पहचान चुका है कि कौन ढोंगी है और किस तरह की योगी की परिभाषा अध्यात्म में हमें और आपको सबको बताई गई है। हम तो समझते थे योगी वो है जो मोह माया काम क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहे, परंतु हमें नहीं पता कि ये ठोकों की परिभाषा, ये तोड़ों की परिभाषा, ये जेल में भेजने की परिभाषा, ये इस तरह दबे कुचले लोगों पर अत्याचार करने की परिभाषा, ये कौन से योगी की परिभाषा है। और उसके आधार पर जब आमने और सामने की लड़ाई हो और एक तरफ वो व्यक्ति हो जो नौजवान संवेदनशील मन रखता हो, जिसके मन में शोषित और पीड़ित जनता का दर्द हो, जो किसी भी रूप में आगे बढ़कर चलकर सर्व समाज के लोगों के उत्थान के सपने को साकार करना चाहता हो, और दूसरी तरफ एक पाखंडी के रूप में उस तरह के अपने नाम के विपरीत काम करने वाला, केवल एक धर्म के नाम पर ढिंढोरा पीट कर लोगों को बांटने वाला, इस समाज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की रेवड़ी बांटने वाला, इस समाज में सबसे ज्यादा महंगाई कर लोगों के चूल्हों को ठंडा करने वाला, इस समाज में गरीबी की रेखा से नीचे रह जीने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाने वाला, लोगों को अपमानित करने वाला और इस तरह से समाज में असमानता बढ़ाने वाला, एक सुपर रिच कंपनी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ हवाले कर देने वाला, ऐसे उस व्यक्ति के बीच में और दूसरी तरफ दूसरे एक वो नौजवान जो सभी को साथ लेकर चलकर किसानों को उनका हक देने की बात करे, कारोबारियों को उनका हक देने की बात करे, दस्तकारों को उनका हक देने की बात करे, पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की बात करे, छोटे दुकानदारों को उनका हक देने की बात करे, तो निश्चित रूप से ऐसे उन दोनों में अगर तुलना करने का काम होगा तो 2022 का रिजल्ट इस बात को बता देगा कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव के रूप में निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा और हम सब अपने उत्थान की बात देखेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, मैं इस उम्मीद के साथ समाज आप तमाम साथी इस बात को समझेंगे और इस बात की गंभीरता को समझते हुए हर दर दर दरवाजे पर जाकर लोगों को जागरूक कर 2022 में समाजवादी पार्टी का जो भी नुमाइंदा माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया जाएगा उसके साइकिल के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कश्यप महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी जी को मंच पे आ जाने दें। महानगर अध्यक्ष और यहाँ पे भाई हमारे विधायक राशिद अंसारी जी पगड़ी ले रहे, वो अंदर हेलीकॉप्टर पे भारत ले रहा वहाँ जा। हाँ तू कहाँ पगड़ी में मंत्री हैं, हेलीकॉप्टर पे वो अंदर नहीं आने। वकार चौधरी, सुभेश नागर जी, दुष्यंत ठेकेदार, ठीक है, हापुड़ से पूरी टीम के साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित हेलो हमारे मंच पे सभी भाई
संजीव प्रजापति जी, राकेश प्रजापति जी, सुबोध नागर जी और यहाँ पे भाई तहसीन जी, मिथिलेश पाल जी, बिल्लू गुजर जी, अंसार जी, प्रिया चौधरी जी, रमेश जी, गौरव स्वरूप जी, हाजी। हेलो भाई साहब, जरा रोके रोके, प्लीज रोके। सांसद राशिद, राशिद जिला अध्यक्ष जी बिजनौर के, और पूर्व सांसद यशवीर जी, इधर से आ जाएं, और अमित चौहान जी जो मंत्री जी के लड़के हैं, अमित चौहान जी, छोटा सैनी जी, जयवीर सिंह जी, महेश बंसल जी, और राजीव जी, और अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। अरे गिरोगे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे छोटे मत का भैया, छोटे मत को रोके, एक मिनट बोलो। अरे वकील साहब, ये माने अखिलेश यादव जी का उड़न खटोला आपके बीच पहुंच चुका है। मैं भाई सुधाकर कश्यप जी जो पिछले दो महीने से पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर इस मेहनत को अंजाम दे रहे हैं, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली से इनका स्वागत और धन्यवाद करिए। भाई राजपाल कश्यप जी जो पूरे प्रदेश के कश्यपों के नेता नहीं, पिछड़ों के नेता नहीं, छात्रों के नेता नहीं, सबके नेता हैं, सब लोग हाथ उठाकर इनका स्वागत और सत्कार कीजिए। माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में चंद मिनट में पहुंच जाएंगे। कश्यप मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कश्यप और कृपाल कश्यप, इस अद्भुत मेला पर हमारे यहाँ पर मंच पर बैठे हुए तमाम हमारे नेतागण, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी सामने बैठे उपस्थित, और बड़ी संख्या में तेजी से ग्राउंड की तरफ आ रहे लोग, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम साथी, तमाम नौजवान लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद दूंगा। और संजय भाई से कहूंगा, संजय भाई वो बराबर वाली सीट ले लीजिए आप, ये मेरी है। नहीं नहीं, वो मेरी, इधर ये जो तख्ती, पीछे करो तख्ती जरा, ये राजपाल कश्यप, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। जब अखिलेश यादव जी आए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदा, राजपाल कश्यप, सुधाकर कश्यप, कृपाल कश्यप, विशंबर प्रसाद निषाद, कश्यप समाज, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। साथियों, आपके बीच में हिंदुस्तान का भविष्य, नौजवानों के नेता, किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का ये जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में आ जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित चौहान जी हैं, वो भी आ जाएं, और मंत्री जी का क्या नाम है, मनोज पारस जी, उनको भी। साथियों, माननीय अखिलेश, जोरदार ताली बजा के हार, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद 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 चौधरी चरण सिंह अमर रहे अमर रहे माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 आप लोगों के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं और ये जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में भी माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। योगी जी हटने वाले हैं क्योंकि इन्होंने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, ये बीजेपी के लोगों ने पिछड़ों के साथ में अन्याय किया है, दलितों के साथ में अन्याय किया है, महिलाओं के साथ में अन्याय किया है, अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय करने का काम किया है। इसलिए नौजवान साथियों, आप पूरा भरोसा विश्वास रखो, माननीय अखिलेश यादव जी जब से निकले हैं विजय रथ लेके जिधर से गुजर जा रहे हैं उधर बीजेपी का सफाया होता चला जा रहा है। और साथियों, ये पिछड़ों को माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने विकास करके दिखा दिया और बीजेपी ने तो विनाश करने का काम किया है। और जितनी विकास की योजनाएं हैं माननीय अखिलेश यादव जी की चल रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी साथियों, समाजवादी पार्टी इन्होंने पिछड़े दलित लामबंद हो जाओ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ में छेड़खानी कर रही है बीजेपी। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई लामबंद हो जाओ, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। ये जनसैलाब के साथ में ताली बजा के तालियों के गड़गड़ाहट से माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद दोनों हाथ से ताली बजा के माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 दोनों हाथ अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 सच्चा समाज जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय दोनों हाथ उठा के लगाओ नारा माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज में नारा लगाएंगे अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि मंच व्यवस्थित कर दें, आप लोगों से अनुरोध है कि आराम से पीछे बैठ जाइए, मैं आप पीछे बैठ जाइए। साथियों, आपके बीच में हिंदुस्तान के भविष्य और उत्तर प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी आ गए हैं और माननीय अखिलेश यादव जी का जो जनसैलाब है ये जनसैलाब बता रहा है कि ये भीड़ बता रही है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं। और हम माननीय अखिलेश यादव जी को
दुनिया की कोई ताकत आने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को देखा है। इन्होंने बीजेपी ने पिछड़ों को ठगने का काम किया है, दलितों को ठगने का काम किया है, कश्यप निषादों को ठगने का काम किया है, कश्यप समाज को अपमानित करने का काम किया है, और कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, पिछड़े समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये कुंभ लगा है ये बताने के लिए कि ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक कश्यप समाज के लोगों, पिछड़े समाज के लोगों, आप लोग लामबंद हो जाओ, और जिस तरीके से मैं आमंत्रित करता हूं, सुधाकर जी हैं, अपनी बात कहें। हेलो भाई, व्यवस्था बनाओ जरा, ये जो वॉलेंटियर है व्यवस्था बनाओ भैया, सबका बैठाओ इनको। सभी मंचासीन नेतागणों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान पर पहले बैठ जाएं। माननीय अखिलेश यादव जी आपके और हमारे बीच में आ गए हैं, मैं आप सभी लोगों का बड़े हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर आप व्यवस्था बना देंगे तो सबका परिचय भी अच्छा हो जाएगा और सबकी बात भी अच्छी हो जाएगी। भाई आप लोगों का बड़ा आभार हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी होगी। शिवान सैनी जी जहां कहीं भी हो आ जाएं, और संजय गर्ग जी जहां हो वे भी आ जाएं। मैं अपने खाप चौधरी आदरणीय रामकुमार कश्यप जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं जो बागपत से बड़ी संख्या के साथ यहां पहुंचे हैं। मैं अपने खाप चौधरी राकेश जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो बड़ी संख्या में यहां पहुंचे, भाई सीताराम कश्यप जी का भी, और आदरणीय एडवोकेट श्रीपाल कश्यप जी का भी, और जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिछले 3 माह से मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आप लोगों से जो स्वागत करने वाले लोग हैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वे व्यवस्था बना ले तो तरीके से सभी के माध्यम से माननीय जी का स्वागत कराएंगे। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप लोगों ने बड़ी बड़ी संख्या में पहुंचकर आज ये ऐलान कर दिया है कि आज वास्तविकता समाजवादी पार्टी का पंचम लहराएगा। मैं प्रवीण यादव जी से भी और रविंदर यादव जी से भी कहना चाहूंगा, वो भी इधर से आ जाएं 2 मिनट के लिए। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि अनुज कश्यप बाद में स्वागत, बाद में मैं हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं कि आप मंच पे ऐसी व्यवस्था बनाएं, मंच पे व्यवस्था ताकि अच्छा लगे, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। छोटे मंच की व्यवस्था बनाओ भाई। भाई राजपाल कश्यप जी, एमएलसी साहब, 1 मिनट आकर व्यवस्था को अनुसार कह दो, आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूं। आदरणीय सीनियर नेता हमारे शंखलाल मांझी जी भी खड़े हैं, हमारे समाज के खाप चौधरी भी खड़े हैं, शिवान सैनी जी को 3 बार कह चुका हूं, आ नहीं रहे। शिवान सैनी जहां भी हो आ जाए, गेट पर आने दो भाई। शिवान सैनी भाई ये तख्ते नीचे कर लो भाई, दूसरों हाथ जोड़ के अनुरोध है, कृपया धनवीर कश्यप जी आप बैठ जाओ, मैं आपका कैसे करें, ऐसे कहां सुनी जाएगी। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्रीपाल कश्यप जी आए, अपनी बात रखें। थिंकिंग माननीय सुधाकर कश्यप ऑफ थिंकिंग वेरी वेरी वर्ड प्रेज। मैं माननीय सुधाकर कश्यप मंत्री जी की सोच का जितना आदर करूं, जितनी प्रशंसा करूं, कम है। वास्तव में बाबू जयपाल सिंह के बाद यदि कश्यप समाज को चेतना देने का और जगाने का कार्य किया है तो वह हमारे माननीय सुधाकर कश्यप हैं। साथियों, आग खोलो रोटी मिलेगी, आग बंद करो तो रोटी नहीं मिलेगी। इस भाजपा सरकार ने आपकी रोटी छीनने का कार्य किया है, आपके ऊपर कर लगाने का कार्य किया है। आप पूछोगे कैदी अति पिछड़ा वर्ग के ऊपर, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर कर लगाने का काम किया है। साथियों,
आपको बिजली कनेक्शन देकर फिर आज 10,000 के बिल आप कहां से भरेंगे, ये आपके ऊपर कर लगा गया है। हो गया हो गया। जो गैस सिलेंडर 325 का हुआ करता था आज 1,000 रुपए का है, वो गरीब आदमी कहां से उसके पूर्ति करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। समय का अभाव है। माननीय राजपाल सिंह कश्यप जिंदाबाद, किसानों और मजदूरों और कश्यप समाज के मसीहा राजपाल कश्यप जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। दोस्तों 2022 में साइकिल आ रही है, साइकिल सवारी करनी तो कर लो, सपा की सरकार तो आपके बुलंदशहर तक बन चुकी है, वही वाला लूटने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों लो। सपा सरकार आंधी की तरह आ रही है, कोई नहीं रोक सकता सपा सरकार को, और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेगा प्रदेश को, कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप। अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी को, राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद, आए अपनी बात। कश्यप महासम्मेलन में आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका यह जनसंलाप कश्यप महासम्मेलन का पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ पूरा लहरा रहा है, और इस बात का संकेत है कि आने वाला समय 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा। जब उत्तर प्रदेश पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने निषाद कश्यप बिंद समाज को अनुसूचित जात का आरक्षण देने का काम किया। हमारे महर्षि कश्यप निषाद राज की जयंती घोषित करने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने हमें बालू खनन मोरम खंड पटना देने का काम किया, और वीरांगना फूलन देवी को जेल से रिहा कराकर दो दो बार सांसद बनाने का काम किया। आने वाला समय यह समाजवादी पार्टी का है। मैं मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जो कश्यप निषाद बिन समाज का 17 जातियों का जो हमारा अक्षर है, समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन सड़क से लगाकर सदन तक उन्होंने पास करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म करने का काम किया। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो हमारे आरक्षण का मामला है, जो हमारी जयंती का मामला है, ये सारे के सारे वादे पूरे होंगे। इस कश्यप महासम्मेलन में मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ सभी नेताओं का, यहाँ की बुढ़ाना की, यहाँ की मुजफ्फरनगर की जनता का, कश्यप समाज के लोगों का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कश्यप समाज के खाप चौधरी रामकुमार कश्यप जी और हमारे और आपके प्रिय नेता भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हमारे इस मंच पर हमारे सम्मानित आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री माननीय शंकरलाल मांझी जी, हमारे समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई आदरणीय राजपाल कश्यप जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय किरणपाल कश्यप जी, हमारे सांसद माननीय विशंबर प्रसाद निषाद जी, हमारे प्रमोद कश्यप जी जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, और हमारे विनोद कश्यप एडवोकेट, हमारे भाई ओमपाल कश्यप जी, भाई प्रवीण कश्यप जी और भाई अतुल प्रधान जी, हमारे सुबोध नागर जी और तमाम युवा नौजवान साथियों, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इतनी बड़ी तादाद में कश्यप समाज के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने इतना बड़ा एहसास और इतना बड़ा साथ देने का काम किया है। मैं आज आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का नष्ट नाबूद होने गया है।
आज दिखाई देगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शेर माननीय अखिलेश यादव जी आपको और हमारे बीच में बड़ी संख्या में बड़े जोश के साथ आपको और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आज का सब समाज के सम्मान के लिए माननीय अखिलेश यादव जी आपके और हमारे बीच आए हैं। ये देश की आजादी से लेकर आज तक माननीय राष्ट्रपति जी देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी पार्टी के नेता ने किसी भी पार्टी के राष्ट्र नेता ने हमारे कश्यप जात के नौजवानों को हमारी जात के बुजुर्गों को हमारे समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर आज तक कोई पहला सम्मान इस देश में और इस देश में स्पष्ट शब्दों में हम बताना चाहते हैं कि अगर पहला कोई सम्मान दिया गया है हमारे कश्यप निषाद समाज की जाति को जो आज कश्यप महासम्मेलन के नाम से ये पहला ऐतिहासिक सम्मेलन माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी जात को सम्मान देने का काम नौजवान भाइयों करने का काम किया है। मैं इनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप लगा लीजिए कि जब से देश की आजादी हुई है तब से लेकर आज तक हमारी जाति के नौजवानों को हमारे परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र पार्टी के नेता ने कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हम कश्यप जाति के लोगों के पीठ में कैसा छुरा डालने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहीं के पास के जनपद में आपको पता होगा कि पास का एक जनपद है श्यामली, इस पास के जनपद में बाबू स्वर्गीय उकम सिंह जी का स्वर्गवास होता है। तो हमारी जात के सामने देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि इसी जनपद श्यामली के अंदर में हमारे कश्यप समाज का एक भाई हमारी जात के नौजवानों ने हमारे समाज के लोगों ने सीट के मंत्री बनाया था, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नाकारा सरकार ने हमारी जात के भाई विजय कश्यप की मृत्यु में कोई शोक संवेदना व्यक्त करने का काम नहीं किया, हमारी जात को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारे भाई राजपाल कश्यप जी ने विधान परिषद में इस बात को उठाया जब माननीय राष्ट्रपति जी ने बताया कि आपके समाज के व्यक्ति की मृत्यु होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक विधायक हमारी जात के नौजवान को हमारे परिवार को सांत्वना देने नहीं जाता है, शोक संदेश तक पढ़ा नहीं जाता है, सलामी के साथ हमारे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होता है, यह हमारी जात का अपमान होता है, यह हमारी जात के साथ धोखा किया जाता है। इसी बाबा योगी आदित्यनाथ ने यह फरमान वर्ष 2018 में दिया था कि कश्यप समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में जोड़ने का काम करने की बात कही थी, लेकिन मैं आज जानना चाहता हूं अपनी जात के नौजवानों से अपनी जात के बुजुर्गों से कि मुझे बताए किसको आरक्षण मिला है, मुझे बताए कि किसको प्रमाण पत्र मिला है, बताइए किसको हक अधिकार मिला है। माताओं बहनों का अपमान किया जाता है इस सरकार में, हमारे समाज के साथ में अगर अत्याचार होता है तो उसके साथ में संघर्ष करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव हमारे लिए आते हैं। जैसे कि आप लगाइए श्यामली में सोनी कश्यप हत्या कांड होता है, उस परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जनपद मेरठ के थाना भावनपुर में कश्यप समाज के व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी जाती है पुलिस की मौजूदगी में, उसके परिवार को आर्थिक मदद देने का काम माननीय अखिलेश यादव ने करने का काम किया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप बताइए कैसे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय हमारे और आपके प्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव हैं जिन्होंने हमारी जात को सम्मान दिया, हमारी जात के 6-6 लोगों को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कर हमारी जात को सम्मान देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। आज आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बैठा हुआ भजन मेरठ में कर रहा है और यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी की सेवा में पूरा जन सैलाब लाखों की तादाद में खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा अत्याचार इस भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है और स्पष्ट मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आने आ रही है और पूर्ण मोहम्मद के साथ आ रही है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो, आप लगाइए कि जब बरसात आती है, जब बरसात कहीं आ जाती है तो क्या कहा जाता है कि अल्लाह बचाए या अल्लाह बचाए। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्ला हो उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। बाबा कान खोल के सुन ले, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ
कि जिसके साथ अल्लाह है और जिसके साथ मल्लाह है उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी जात के लोगों की कुछ थोड़ी सी आपसे अपेक्षा है, अगर उन अपेक्षाओं को आप पूरा कर दे सरकार में तो ये कच्चा समाज आपकी नाव आज पार करा देगा। अगर आप इनकी नाव को पार देख लेंगे तो मैं हृदय से कहता हूँ इनके आरक्षण की 17 जातियों की मांग जो माननीय नेताजी ने पूरी करी थी वर्ष 10 अक्टूबर 2005 में, माननीय नेताजी ने हमारी जात के लोगों को आरक्षण देने का काम किया था, उस आरक्षण को रोकने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुजन समाज पार्टी ने करने का काम किया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे महर्षि कश्यप ऋषि जी की, हमारे महर्षि कश्यप ऋषि जी की जो छुट्टी आपने घोषित की थी वो इस भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है। हमारे कश्यप समाज के महर्षि ऋषि जी के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि हमारी जात के नौजवानों का, हमारे समाज के परिवार के बच्चों का भविष्य तय हो सके। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे ये भी अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी जात के लोग कोलू व्यवसायी होते हैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण कोलू चलाकर अपना पेट भरने का काम करते हैं, उनके परिवारों के लिए विद्युत बिल में छूट कराई जाए ताकि मेरे समाज के लोग आगे बढ़ सके। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से दिल से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अपना मान सम्मान बचाना है, अगर आप लोगों को अपना परिवार बचाना है तो इस धोखेबाज, इस निकम्मी नाकारा सरकार से आप लोगों को बचना होगा, आप लोगों को बचना होगा। और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूँ कि मैं वास्तविकता कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये प्रण करता हूँ आज इस मंच पे पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सुधाकर कश्यप आपका बेटा युवा नौजवानों का भाई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये मैं आज भारी पंचायत में ऐलान करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी से अपील करी थी कि माननीय जी मैं आपसे कोई चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे कोई टिकट नहीं मांगना, मैंने आपसे सिर्फ यही कहना है कि जिस समाज को देश की आजादी से लेकर आज तक किसी पार्टी ने संबोधित नहीं किया है एक मर्तबा उस समाज को आप सम्मान दे दीजिए। आज मैं माननीय अखिलेश यादव जी का वास्तविकता के आधार पे बहुत बहुत धन्यवाद अपने समाज की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को राम देते हुए जय हिंद, जय कश्यप समाज, जय समाज। साथियों, अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय किरणपाल जी आए और संक्षिप्त में अपनी मांग प्रस्तुत। आदरणीय आज की सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, सबके महबूब नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैं आपसे मुखातिब होने कहता हूं, राम कहूं घन श्याम कहूं या कश्यप कहूं निषाद तने, भारत माँ के पुत्र लाडले धन धन वीर अखिलेश तने, धन धन वीर अखिलेश तने। कश्यप समाज के लोगों, जनपद के कोने कोने से चल कर के तुम आए हो वीर बांकरे कश्यप के, तुमको सो बार बधाई हो, तुमको सो बार बधाई हो। लखनऊ से चल कर के तुम्हें बताने आए हैं, लखनऊ से चल कर के तुम्हें बताने आए हैं कश्यप समाज के वीर जवानों, तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हें जगाने आए हैं। मैं अपने समाज की तरफ से कि हाँ, समाजवादी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाए, मैं मांग पत्र पढ़ रहा हूँ। कश्यप निषाद सहित 17 जाति अति पिछड़ी जाति में शामिल कर आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। नंबर दो, कश्यप समाज को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 विधानसभा टिकट देकर के टिकट दिया जाए। नंबर तीन, कश्यप निषाद समाज बालू पोखरों तालाबों घाटों नदियां मछली का 10 वर्ष का पट्टा दिया जाए। नंबर 5, महर्षि कश्यप महाराजा निषाद राज सहित सभी महर्षि की कश्यप समाज की छुट्टी घोषित की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कश्यप समाज के गुड़ खडसारी बनाने के अस्थायी कनेक्शन मुफ्त दिया जाए और 600 यूनिट बिजली क्रेशर चलाने के लिए, पावर कोल्लू चलाने के लिए फ्री दी जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज के लोग बेरोजगार हैं, उनको चीनी मिल में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको दफ्तर में नौकरी दी जाए, जो अनपढ़ है
उनको लेबर में नौकरी दी जाए। और आखिरी मेरा मांग है कि उत्तर प्रदेश में आगे में बनने वाली सरकार में प्रदेश के अंदर प्रतिवर्ष 2 लाख मछुआ आवास बनाए जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हिंदुस्तान के नौजवानों के नेता और ज्वाइनिंग जिला अध्यक्ष जी आए, ज्वाइनिंग जिन लोगों की होनी उनका नाम प्रमोद त्यागी जी आए। हजारों लाखों करोड़ों युवाओं की धड़कन देश के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के अपने इस नगर में स्वागत करते मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित अनुभव कर रहा हूं। मैं समय बहुत कम है, केवल ये घोषणा करूंगा जो कुछ लोग आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, तौसीफ राही जी हैं, मैं कहूंगा वो आ जाएं। वो बसपा के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, वो बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की ये ज्वाइन कर रहे, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। एक प्रजापति समाज के लोग हैं श्यामलाल प्रजापति, प्रदेश प्रभारी महासंकल्प पार्टी सहारनपुर बाबूराम प्रजापति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन समता पार्टी बागपत सचिन प्रजापति, राम प्रजापति प्रभारी लोकसभा बहुजन समाज पार्टी। मैं इन सब का जनपद मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष होने के नाते अपने जनपद में स्वागत करता हूं। और आज जोश के साथ कहिए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा ये मान्यवर काशीराम सर्व समाज सेना के श्री बोबी अब्बा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रामेश्वर दास एडवोकेट जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री विनोद करजम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, श्री श्याम सुंदर शर्मा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उत्तराखंड प्रभारी हैं, चौधरी संजीव कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अमर सिंह आनंद जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये लोग कर रहे हैं इसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और अब भाई आनंद निषाद जी के साथ में बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं माफी मांगते हुए सभी लोगों से, बहुत से लोगों को बुलाना चाह रहे थे लेकिन मैं माफी मांगते हुए माननीय शंखलाल माझी जी, माननीय राजपाल सैनी जी और हमारे कई विधायक सभी लोगों से मैं माफी मांगते हुए हिंदुस्तान के नौजवानों के नेता, किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, वंचितों के नेता और सभी समाजों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। और ये जनसैलाब, बुढ़ाना का जनसैलाब, कश्यपों का कुंभ, ये बता रहा है कि पूरब से लेके पश्चिम तक, मैं आप पूरब से लेके पश्चिम तक ये जनसैलाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर रैली हो रही है। और बगल में यादव जी का जनसैलाब है और ये जनसैलाब बता रहा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आने जा रहे हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ चौधरी लालता प्रसाद निषाद जी को, आए अपनी बात रखे। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं चौकी पर बैठे हुए सभी चौकीदारगण और जमीन पर बैठे हुए सभी जमींदारगण, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूँ गाजीपुर से चलकर गाज सुवन मन शंका व्यापी बिन हर कृपा मर ही नहीं साफ पापी, विश्वामित्र का संदेश लेकर पूर्वांचल से आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी की एक कश्यप महासम्मेलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे लोगों को राजनीति में नील किया जा रहा किया गया है। माननीय भाई साहब राम सिंह ने जो है आगे बढ़ाने का काम किया है। केवल मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो है इस समाज को गले लगाइए, क्योंकि ऊपर अल्लाह है नीचे मल्ला है, ऊपर अल्लाह है नीचे मल्ला है। अगर मल्ला चाहेगा पूरा का सब चाहेगा तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। इसलिए इसे आदर दीजिए, इसे आदर चाहिए, टिकट दीजिए और आदर दीजिए। राजनीतिक
जीवन दान कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कश्यप। और हमारे चौधरी राम शरण कश्यप जी हैं, उनकी उनका जो है श्रद्धांजलि अर्पण करना है, आपने आप उसको करने की कृपा करेंगे। अब मैं सभी साथियों से माफी मांगते हुए, जिन लोगों को नहीं बुला पाया सभी से माफी मांगते हुए, सीधे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद, पिछड़ा समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आज के कश्यप महासम्मेलन में उपस्थित बड़ी संख्या में कश्यप समाज के सभी हमारे बुजुर्ग आदरणीय बुजुर्ग आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सीताराम कश्यप जी और आज के कार्यक्रम के संयोजक और कश्यप समाज के बहुत बड़े संख्या में हमारे मंच पर सभी नेता मंच पर उपस्थित, राज्यसभा में सांसद विश्वंबर निषाद जी, एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, सुधाकर कश्यप जी, मांगेराम कश्यप जी, बीके कश्यप जी, उदयवीर कश्यप, आदरणीय चौधरी लालता प्रसाद जी, किरणपाल कश्यप जी, पूर्व मंत्री शंखलाल मांझी जी, राजपाल सैनी जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, विधायक संजय गर्ग जी, अतुल प्रधान जी, गौरव स्वरूप जी, अनिल सिंह जी, सतवीर प्रजापति जी, मनोज पारस जी, योगेश वर्मा जी, प्रमोद कश्यप, विनय पाल जी, जिया चौधरी साहब, गुलाम मोहम्मद जी, विषय कर्मा जी, स्वामी हमारे स्वामी जी और बिजनौर के जिलाध्यक्ष से लेकर के बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी, बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारी पार्टी के नेता जो इस मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही साथ दूसरे मंच पर बहुत जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं और कई हमारे जिम्मेदार नेता जिन्हें मैं देख रहा हूं उन्होंने मंच की परवाह नहीं की है, मंच की चिंता नहीं की है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उन्हें जगह मिली है, चाहे वो हमारे विधायक हों जो दूसरे दल से आए हों और चाहे बहुत जिम्मेदार नेता जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जगह नहीं मिली कहीं भी, लेकिन वो भीड़ में खड़े हैं, जनता में आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक साथी जो सभा में उपस्थित है उस कोने से लेकर के और आखिरी तक जो हमें दिखाई दे रहे हैं, मैदान में पूरा भरा दिखाई दे रहा है, मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का, पिछड़े समाज के सभी नेताओं का और कश्यप समाज के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आज कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद हो पा रहा है। जिस समय पिछली बार कार्यक्रम तय हुआ था, जो पिछली तारीख थी जिसमें आपने तैयारी की थी, उस समय किसी कारण और बारिश के कारण हम आपके बीच में नहीं पहुंच पाए थे और जब दूसरी तारीख थी हमारे तमाम नेता घबरा रहे थे
कि पता नहीं लोग दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम नहीं हो पाया उस समय जोश और उत्साह दूसरा था, तारीख बदल गई, लेकिन यहां के लोगों का जोश और उत्साह नहीं बदला है। और ये आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 जो 22 अगली साल है जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदार तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वहीं हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का, जो किरण पाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है, सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है, हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जोड़ करके हम आपको कहना चाहते हैं, ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया, लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया,
लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव, यही हमारे निषाद कश्यप बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट, क्यों उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है, बताओ आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ, हिसाब किताब लगाओ, आपकी आय बढ़ी है कि आय घट गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी। आप मुड़कर के देखो, मुड़कर के देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी, क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था। और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे, याद है कि नहीं याद है? कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है, और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे, और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है, और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे, और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं, हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों का अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है
तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। बताओ किसान भाइयों, यहां तो सब खेती करने वाले लोग हैं, ये किसान या किसान के बेटे यहां पर खड़े हैं। जहां किसान के सामने संकट पैदा कर दिया, वहीं नौजवानों के सामने संकट पैदा है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर वो सपना भी कुछ बड़ा देखना चाहें, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं। अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री आए थे, कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे, 70 लाख नौकरी। बताओ कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत है, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए क्या, वैसी सरकार चाहिए? योग्य सरकार चाहिए कि गप वाली सरकार चाहिए? अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां ना आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। याद करो 5 साल में समाजवादियों ने क्या क्या काम करके दिखाए। ये जो कभी कभी एम्बुलेंस आप बुलाते हो फोन कर करके, जिस समय कोरोना था लोगों के बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घरों में बंद कर दिया था, आप घरों से नहीं निकल सकते थे बीमारी में, इस सरकार ने न दवाई दी, न अस्पताल दिया, न ऑक्सीजन दी, हमारे तमाम गरीब अनाथ छोड़ दिए, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिला। और सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही समय पर ऑक्सीजन दे दी होती तो हमारे गरीबों की इतने बड़े पैमाने पर जान नहीं जाती, बहुत से गरीबों की जान बच जाती। इन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, जनता को अनाथ छोड़ दिया। और यही सड़कों पर आपने देखा होगा, जिस समय लॉकडाउन हुआ, जिस समय लॉकडाउन हुआ हमारे मजदूर घर जाने के लिए तकलीफ और परेशानी में पैदल चलते रहे, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। अगर किसान और गरीब अपने घर जाना चाहता था, इलाज चाहता था, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अगर कोई चीज काम आ रही थी उस समय पर तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस 102 और 108 ने गरीबों की मदद करने का काम किया था। ये सुधार लाए थे हम, और यही सुधार नहीं,
ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समझते ही नहीं है। बहुत कह रहे कानून व्यवस्था ठीक की है, बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था। उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां अपने गांव में घर में गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पर नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो, कभी सोचा है उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फरक्काबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे, यही आपकी कानून व्यवस्था है। और सबसे अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादियों ने किया पुलिस को। कभी पुलिस विभाग में इतने प्रमोशन नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए, इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए। और पुलिस आसानी से काम करे उसके लिए समाजवादियों ने काम करके दिखाया। ये जो 100 नंबर आप मिलाते हो फोन पर, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है, ये अगर किसी ने सुविधा दी है तो समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की सुविधा देने का काम किया। आपने सुविधा को बेहतर नहीं किया, आप टायर नहीं बदल पाए, आप गाड़ी के टायर नहीं बदल पाए, गाड़ी नहीं ठीक कर पाए, गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ा पाए, केवल एक काम किया है, 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया है। 100 नंबर था वो 112 हो गया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी आपके बीच में नहीं आए, अगर वो रंग देख लेते पीला तो इसका रंग बदल देते। उनका सबसे अच्छा काम है विकास, सबसे अच्छा काम यही करते हैं, विकास में रंग बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। इसलिए ठोको नीति चलाने वालों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी, लोगों की जान गई जाने कितनों की, और विकास के नाम पर केवल नाम बदला जा रहा है, रंग बदला जा रहा है, और 4.5 साल बाद भी
समाजवादियों के काम के शिलान्यास के शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन के उद्घाटन हो रहे हैं, अभी तक मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पाए जो अपना शिलान्यास किया हो, उस काम को उद्घाटन कर दिया हो। इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार हो जो झूठ बोलती हो, जनता को धोखा देती हो, वोट लिया पिछड़ों के नाम पर, लेकिन पिछड़ों को ही धोखा दे दिया। जो लोग पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, भूल जाओ पिछड़े लोगों, तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी योजना ला सकते हैं, और जो आपको अधिकार भी मिले थे नौकरी के, धीरे धीरे सब नौकरियां छीनी जा रही हैं। अगर नौकरियां देंगे भी तो बताओ, अगर बड़ी बड़ी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, बिक जाएंगी, तो आपको नौकरी कहां मिलेगी? ये सरकार बेचने वाली है। अभी नोटबंदी के 5 साल गुजरे हैं, नोटबंदी में जो कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज सरकार को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आज भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, अन्याय कई गुना बढ़ गया, और जहां कहीं अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसलिए इस परिवर्तन के समय पर और बदलाव के समय पर जब हमारे कश्यप समाज के लोग निकल पड़े हैं, तो इनके साथ साथ और हमारे पिछड़ी जाति के लोग भी निकल पड़ेंगे, क्योंकि सरकार में सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो महंगाई मिली है, आपको अपमान मिला है। और ये तो गन्ने का क्षेत्र है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आने वाले समय में गन्ने की कीमत क्या होगी, कितनी अनाउंस करके गए बताइए। सरकार ने कहा कि हम 340 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, यही तो फैसला लिया सरकार ने। और अगर पर्ची देखी होगी तो बताओ पर्ची पे क्या कीमत दिखी है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब गन्ने की कीमत बढ़ाई है सरकार ने, आखिरी साल में कीमत बढ़ाई और कीमत क्या बताई, 340 देंगे प्रति क्विंटल। बताओ किसी की पर्ची पे लिखा है 340? तो आखिरकार ये कौन देगा? जो जाने वाली सरकार है, जो जाने वाले मुख्यमंत्री, वो नहीं देंगे आपको, जाने वाले छीन के ले जाएंगे। अगर कोई देगा तो आने वाली सरकार देगी, ये जाने वाली सरकार नहीं देगी। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, खाद कहां मिल रही है, डीएपी कहां मिल रही है, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, सब कुछ महंगा कर दिया, सरकार खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी नहीं दे पा रही है, बीज महंगे हो गए, हर चीज महंगी है, खाने पीने की सामान महंगे कर दिए। बताओ खाने पीने का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जो किसान हमारा पेट भरता है, जो पहनने को कपड़े देता है, उसको सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो अन्न देता है, अन्नदाता है, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये काम और कारोबार की बात नहीं करेंगे, ये कारोबार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कारोबार से हम और आप जुड़ जाते हैं। अगर कोई कारोबार होता है तो कोई एक जाति एक धर्म करती है, उससे जुड़ते सभी लोग हैं, कारोबार जोड़ता है हमें। ये कारोबार की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में, इस चुनाव में जो होने जा रहा है,
उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। इसलिए जहां कश्यप समाज के लोग हैं वहीं हमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई वर्ग नहीं है जिसके लोग यहां शामिल न हों, कोई समाज के लोग नहीं जो हमारे साथ आज खड़े न हो, समाजवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है, हम उन्हें कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। वो अपने यहां नहीं बोल रहे हैं, हमारा परिवार एक ही है और वो है कि हम सब समाजवादी हैं, हम सब समाजवादी हैं। और सोचो कभी पत्रकार साथी हो, सोचो पत्रकार साथी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है, हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है। सोचो खानदान किसको याद आता है बताओ आप, जो हारने वाला है, जो खिसियाने वाला है, जो जाने वाला है उसे ही परिवार याद आता है, खानदान याद आता है। हम समाजवादी लोग हैं, हम सब एक परिवार हैं और इसमें सभी की भागीदारी है और आने वाले समय में सभी का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सभी की भागीदारी होगी, सभी का सम्मान होगा। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे पिछड़े भाइयों की है कि पिछड़े लोगों की गिनती हो, पिछड़े भाइयों की। ये सरकार गिनती नहीं करना चाहती है, अगर गिनती करेगी तो वो जानते हैं कि आबादी में कुछ लोग और ज्यादा हैं हमसे, इसलिए गिनती नहीं हो रही है। हम अपने पिछड़े भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपकी गिनती भी होगी, आपकी भागीदारी भी होगी और आपका सम्मान करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। जो लोग बड़ी संख्या में लेकर के आए हैं, सहयोग किया, पहले भी हमारे लिए इंतजाम किया पार्टी के लिए और उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया, आज हो रहा है, आज इस कार्यक्रम को जब आपने सफल बनाया है तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का जो हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद देते हैं, जो बड़ी संख्या में लोग आए उनका धन्यवाद देते हैं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी और हमारे किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों को नौकरी होगी, नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई की राहत मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली बढ़ा करके हमारे किसानों को करंट दिया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं उम्मीद से ज्यादा आपको बिजली में राहत देने का काम करेंगे, ये हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। बताओ बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई बाबा जी ने, एक बिजली की यूनिट नहीं लगाई बाबा जी ने, और बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया आपका। जैसे ही बिजली का बिल आता है बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता आपको? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम किसानों को और बुनकर भाइयों को करेंगे। पहले भी सिंचाई माफ थी, सिंचाई माफ थी कि नहीं थी? और आपकी एम्बुलेंस फ्री थी। इसलिए जहां हम पढ़ाई के लिए काम करना चाहते हैं सिंचाई भी मुफ्त करने का काम करेंगे और अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देंगे, क्योंकि जब हमारा किसान खुशहाल होगा तब जाकर के हमारा देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कश्यप समाज के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में
उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर के किसानों की सरकार बनेगी और एक ऐसी किसान और गरीब नौजवानों को सम्मान देने वाली सरकार बनेगी जिसके साथ बहुमत होगा। और जहां तक गठबंधन का काम है, लगातार हम लोग छोटे दलों को, क्षेत्रीय दलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं जिससे कि समाजवादी पार्टी की ताकत उत्तर प्रदेश में दिखाई दे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।